औषधीय गुणों से भरपूर सुगंधित स्वादिष्ट जो कि खाने के स्वाद को बढ़ाती है। साधारण से दिखने वाले असाधारण गुणों से भरपूर इस पौधे के अनेकों फायदे हैं जो कि शायद ही किसी के घरों में नहीं होगा। आसानी से उग जाने वाले इस साधारण से पौधे का हमारे रसोई में मसालों के तौर पर यूज किया जाता है, लेकिन इसके फायदे एक नहीं अनेकों हैं और इसको यूज करने के तरीके भी बहुत सारे हैं। और किन किन बीमारियों में इसका सेवन करने से फायदा होता है ये सभी नहीं जानते होंगे, इसलिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। और इसमें क्या क्या पाया जाता है और इसका उपयोग कैसे करना चाहिए और इसे हम किस किस तरह से खा सकते हैं, सभी पॉइंट पर मैं इस वीडियो में चर्चा करने जा रही हूँ। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि यह करी पत्ता का प्लांट है जिसे कि मीठी नीम भी कहते हैं। तो आज मैं इसके कितने सारे फायदे हैं उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हों तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं कि इसे मैं साधारण क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यह लगाने में बहुत ही आसान है। इसे सीड से भी लगा सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि इसके कितने सारे फायदे हैं। इंग्लिश में इसे करी लिप्स भी कहते हैं। पहले तो इसे दक्षिण भारतीय व्यंजनों में ज़्यादा उपयोग किया जाता था। करी पत्ता एंटीऑक्सीडेंट होता है क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और कॉपर, मिनरल्स, कैल्शियम, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी, मैग्नीशियम, आयरन, एमिनो एसिड, ये सभी कुछ इसमें पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं जिसके कारण हमारे शरीर में सूजन वगैरह होती है तो उसमें भी हमें बहुत ही राहत मिलती है। करी पत्ते का सेवन कर हम वेट लॉस भी कर सकते हैं। करी पत्ता वेट लॉस करने में भी बहुत ही हेल्पफुल है। इसे हम किसी भी रूप में ले सकते हैं, जैसे कि इसका हम खाने में तो यूज करते ही हैं, बहुत सारे व्यंजनों में हम इसका तड़का वगैरह लगाकर यूज करते हैं। इसे हम कच्चा भी चबाकर खा सकते हैं, कच्चा चबाने से और भी ज़्यादा फायदे होते हैं इसके। इसे हम चटनी बनाकर भी खा सकते हैं, इसमें लहसुन वगैरह डालकर इसका चटनी बनाने पर चटनी भी इसकी बहुत ही टेस्टी होती है, या इसका हम चाय बनाकर भी पी सकते हैं। तो इसे हम किसी भी रूप में ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा सुबह में खाली पेट कर चबाकर खाने से होता है। मात्र इसकी 6-7 पत्तियों को चबाकर खाने के बाद एक गिलास पानी पी लेने से बहुत ही फायदा पहुंचता है। शहद के साथ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से करी पत्ते का सेवन करने से पहला तो वेट लॉस तो होता ही है, दूसरा आँखों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इसका सेवन करने से आँखों की रोशनी भी बढ़ती है क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है, और करी पत्ता उम्र के साथ होने वाली आँखों की कमजोरी से भी बचाता है। इसका सेवन इस तरह से खाली पेट में भी कर सकते हैं या खाने के बाद भी कर सकते हैं। तीसरा, एनीमिया में भी बहुत ही लाभदायक है क्योंकि इसमें आयरन, कैल्शियम, जिंक जैसे खनिज पदार्थों का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसे इसलिए कहा जाता है कि यह एनीमिया से भी निजात दिलाने में बहुत ही उपयोगी होता है। फोर्थ है, डायबिटीज में भी मददगार माना जाता है। कहा जाता है कि इसमें कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट ये है कि डायरिया से भी बचाव करता है और कब्जियत में भी राहत पहुंचाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि करी पत्ते में कार्बाजोले अल्कलाइड्स पाया जाता है, इसमें कि डायरिया से बचाव करने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि इसमें दोनों तरह के फायदे होते हैं, जैसे कि किन्हीं को गैस वगैरह है, पेट साफ नहीं होता है तो यह पेट साफ करने में भी मदद करती है। सेवंथ है, लीवर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। यह लीवर को हेल्दी रखने के साथ साथ लीवर से संबंधित होने वाली बीमारियों जैसे कि हेपेटाइटिस और सिरोसिस जैसे बीमारियों को भी कम करने में बहुत ही मददगार है, क्योंकि इसमें शोध के अनुसार यह स्पष्ट हो चुका है कि इसमें टैनिन और कार्बाजोले अल्कलाइड जैसे तत्व पाए जाते हैं जिसमें कि हेप्टोप्रोटेक्टिव गुण पाए जाते हैं जो कि लीवर की कार्यक्षमता को
बढ़ाने में बहुत ही मदद करती है। दिल से संबंधित बीमारियों में भी बहुत ही फायदेमंद है। माना जाता है कि करी पत्ते में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी ए और ई हार्ट के स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करते हैं। इससे हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कम होता है, इसलिए इसका हृदय रोगियों को जरूर सेवन करना चाहिए। 9th पॉइंट है, स्किन प्रॉब्लम्स में भी बहुत ही फायदेमंद है। करी पत्ते को फेस पैक के रूप में इस्तेमाल करने से चेहरे पर दाग धब्बे, मुहासे, रूखापन वगैरह जो होते हैं वो सभी दूर होते हैं। एक्ने और डार्क स्पॉट भी कम करने में करी पत्ते का फेस पैक बहुत ही मददगार है। स्किन पर कहीं भी फंगल इन्फेक्शन हो तो वहाँ पर भी करी पत्ते को पेस्ट के रूप में लगा सकते हैं। 10th है, बालों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। करी पत्ते का पेस्ट बनाकर स्कैल्प पर हेयर पैक की तरह लगाने से बाल हेल्दी होते हैं। या करी पत्ते को उबालकर उस पानी से धोने से भी बाल हेल्दी और चमकदार होते हैं। नारियल तेल में भी करी पत्ते को पकाकर फिर उस तेल को ठंडे कर स्कैल्प पर और बालों पर लगाने से बाल मजबूत और काले भी होते हैं। 11th बेनिफिट्स है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी इसे सहायक माना जाता है। करी पत्ते का सेवन करने से माना जाता है कि शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है और बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से करी पत्ते के अनेकों फायदे के बारे में मैंने बताया। इस तरह से मैंने इसके बेनिफिट्स और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं वह भी मैंने बताया। इस वीडियो में मेरी तरफ से किसी भी तरह की त्रुटि हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। औषधीय गुणों से भरपूर करी पत्ते का इस्तेमाल औषधि के रूप में बहुत ही पहले से होता चला आ रहा है। नुकसान की बात करें तो वैसे तो करी पत्ते से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ का आवश्यकता से अधिक उपयोग करना भी कभी कभी नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब तक मेरी वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, एक लाइक तो ज़रूर बनता ही है, क्योंकि लाइक से हमें कुछ नहीं मिलता लेकिन मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारियों के साथ। आपकी होस्ट सिन्हाज गार्डन। बाय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।